खिलखिलाते बच्चे को जीवन बख्शा है अमृत लाल जी ने। जी हाँ, अमृत लाल जी की निशक जनसेवा संस्थान के सहयोग से इस बच्चे के हृदय में छेद की जो समस्या थी उसका ऑपरेशन हमने कराया। इस ऑपरेशन में सहयोग दिया था रोटरी क्लब वालों ने। अमृत लाल जी की संस्था निशक जनसेवा संस्थान ने इस बच्चे के हृदय के छेद को साथ ही अन्य समस्याओं को भी बिना किसी खर्च को कराए हुए दूर किया है। इस तरीके निशक जनसेवा संस्थान गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए भगवान का काम कर रहे हैं। आइए इस बच्चे की पिता से बात करते हैं। प्रेमचंद, कौन से गांव में रहते हो? ग्राम पिपरिया अगरू। तुम्हारे बच्चे को क्या दिक्कत हो गई? हमारे बच्चे की सांस फूलती थी और इधर उधर दिखाया डॉक्टर साहब के यहाँ। डॉक्टर भांसड़े ने बताया कि इसके दिल में छेद है, तब इसको इधर उधर जो है लिए घूमते रहे, पैसा नहीं हो पाया। इस कारण वो स्कीम चली, तब यहाँ से डॉक्टर साहब से यहाँ से संपर्क हुआ, तब यहाँ दिल्ली जो है लेके गए डॉक्टर साहब की सहायता। फिर तो क्या ऑपरेशन हो गया वहाँ? अच्छा, स्कीम ये किसी ये निशक जन सेवा की तरफ से कराया गया? हाँ जी, रोटरी क्लब की तरफ से। अच्छा अच्छा, कितना समय हो गया बच्चे के ऑपरेशन के लिए? ऑपरेशन को सर हो गया 3 महीने के करीब। तुम्हारा किसी प्रकार का कोई पैसे का खर्चा हुआ क्या? हुआ नहीं, कोई पैसे का खर्च नहीं हुआ, आने जाने का तो हुआ, बाकी खाना पीना सब बच्चे का वही सब हुआ। अच्छा, कितना समय हो गया ऑपरेशन के लिए? ऑपरेशन के लिए सर हो गया 3 महीने के करीबन। आप बच्चा स्वस्थ है? हाँ, बच्चा स्वस्थ है। किसी प्रकार की परेशानी नहीं? इस समय कोई सर परेशानी नहीं है। तो धन्यवाद तुम किसे बोलना चाहोगे? धन्यवाद सर जो है भाई डॉक्टर साहब है ना, जिनको कहते हैं धन्यवाद। क्लब के द्वारा जो इसका ऑपरेशन कराया गया, तो ये कब आपके संपर्क में आया और कितना समय लगा? ये हमारा 2 साल से प्रोजेक्ट हमारे पास है, GUL करके एक प्रोजेक्ट रोटरी ने बनाया हुआ है, गिफ्ट ऑफ लाइफ। इसमें हम ऐसे बच्चों को ऑक्यूपाई करते हैं और हमने 3 हॉस्पिटल दिल्ली में अपने उसमें ले रखे हैं, फोर्टिस, स्कॉट और नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट। इन 3 हॉस्पिटल्स में यहाँ के बच्चों को हम भेजते हैं और अभी तक हम कई केसेस भेज चुके हैं, करीब 25 केस हमने भेजे, जिसमें से कुछ बच्चों का सेलेक्ट हुए हमारे, और 3 केसेस हम अभी सक्सेसफुल करा चुके हैं। उसमें से एक ये बच्चा पुष्पेंद्र है जो कि अभी 2 महीने पहले करीब ऑपरेशन होकर यहाँ पे सक्सेसफुल तरीके से आया है। उस बच्चे की कुछ कमियाँ हैं, वो मैं कल पूरी करके भेज रहा हूँ, रोहन राणा नाम का। वो बच्चा भी भगवान के पास है, ज़रूर हमारा ऑपरेशन होकर सक्सेस होकर आ जाएगा।